सुप्रभात प्रिय छात्रों, वेलकम टू माय चैनल लिविंग पीक क्लासेस प्रयागराज। माय सेल्फ सुनील प्रजापति सर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूपीएसईई 2017 का क्वेश्चन पेपर। हम बायो का पार्ट लेकर के आए हैं। 101 से लेकर के 150 क्वेश्चन का सलूशन हम देंगे, तो आप ध्यान से देखिए और रिविज़न करिए, और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि कमेंट करते हैं तो हमें मालूम चल जाता है तुरंत। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेसर वेट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्वेसर वेट्स कोलाइडल सस्पेंशन होते हैं। क्या होते हैं क्वेसर वेट्स? कोलाइडल सस्पेंशन होते हैं। मेडुला ओब्लांगाटा इज रिस्पांसिबल फॉर, मेडुला ओब्लांगाटा किसके लिए रिस्पांसिबल होता है? तो यह थर्मोरेगुलेशन के लिए होता है। किसके लिए? थर्मोरेगुलेशन के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 103 का देखते हैं। द काकरोच ऑफ जीनस ब्लाटा इज आल्सो कॉल्ड, भाई ब्लाटा वंश का, ब्लाटा जीनस का काकरोच को क्या कहा जाता है? 103 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओरिएंटल काकरोच। क्या कहा जाता है ब्लाटा वंश के काकरोच को? ओरिएंटल काकरोच। ठीक है, सी ऑप्शन। ग्रुप्स ऑफ फाइव किंगडम स्कीम आर, तो फाइव किंगडम स्कीम आपको बताना है। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे आप फाइव किंगडम स्कीम आपको बताना है। तो फाइव किंगडम सिस्टम किसने दिया था? आर एच विटेकर ने दिया था। ठीक है, तो आर एच विटेकर ने इसको दिया था 1969 में, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये आपको याद होना चाहिए एकदम सीरियल से, कि सबसे पहला नंबर का मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, तब लास्ट में क्या आता है? एनिमेलिया। तो यहाँ पे आपका 104 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स आर फाउंड इन, भाई हाइग्रोस्कोपिक रूट्स फाउंड इन पाई जाती हैं, तो किस में पाई जाती हैं? तो ये आर्किड प्लांट्स में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? आर्किड प्लांट में पाई जाती हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। फ्रूट ऑफ मैंगो इज, भाई आम का फल किस टाइप का है उसका नाम बताइए। जो आम का फल है वो किस टाइप का है, तो उसको आपको बताना पड़ेगा। तो 106 का क्या हो जाएगा? ड्रूप हो जाएगा। ठीक है, पैसेज सेल्स आर फाउंड इन टिश्यू, भाई टिश्यू में जो पैसेज सेल्स पाए जाती हैं कहाँ पे पाए जाती हैं? तो 107 का इंडोडर्मिस, कहाँ पाए जाती हैं? इंडोडर्मिस में। एडेनोसिन इज आ, तो एडेनोसिन क्या है? नाइट्रोजनस बेस है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एडेनोसिन एक क्या है? न्यूक्लियोसाइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है। ठीक है, तो एडेनोसिन 108 का ऑप्शन बी न्यूक्लियो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। 109 का देखिए। द ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, भाई ब्लू ग्रीन एल्गी जो फोटोसिंथेसिस करती है तो ये संश्लेषण की क्रिया किस में हुआ करती है? तो 109 का बी ऑप्शन यानी कि लैमली में होती है। कहाँ पे होती है? लैमली में होती है फोटोसिंथेसिस, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, व्हाट इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट होता है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। इन ब्रायोफाइटा ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ द स्पोरोफाइट,
फॉर अटैचमेंट टू द गैमेटोफाइट इज कॉल्ड। तो ब्रायोफाइटा में एक स्पेशलाइज ऑर्गन होता है, ठीक है ना, स्पोरोफाइट का, जो अटैचमेंट होता है किससे, किससे, गैमेटोफाइट से। तो उसको हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट से जो अटैच होता है या जुड़ जाता है। तो 111 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, फुट जिसे कहते हैं फुट। इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, ये ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं। तो 112 का सी ऑप्शन साइकस राइकिस में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, साइकस राइकिस में पाए जाते हैं। एपोगेमी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, तो 113 का अगर आप देखें तो यहाँ पे सी हो जाएगा, हैप्लॉयड स्पोरोफाइट। एपोगेमी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पोरोफाइट। यहाँ पे कस्कुटा इज ए, कस्कुटा क्या है, तो कस्कुटा इज ए टोटल स्टेम पैरासाइट होता है। हाइडेथोड आर मीन्ट फार, 115 का यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 115 का बी, ठीक है, गटेशन। 116 में देखिए, मालिक्यूल ऑफ एटीपी इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू ए मालिक्यूल्स, तो यहाँ पे एक एटीपी अणु संरचनात्मक रूप से किसके समान होता है, तो 116 का ए आर यानी मालिक्यूल्स के समान होता है। विच कलर ऑफ लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे 117 ऑप्शन को यहाँ पे ध्यान से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि भाई कौन सा कलर है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है, सर्वाधिक प्रभावी होता है, तो वह ऑप्शन आपका रेड हो जाएगा। इम्बाइबिशन इज ए, जो इम्बाइबिशन होता है वो क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है, इम्बाइबिशन फिजिकल प्रोसेस होता है। और 119 का अगर आप देखें, कौन सा पादप हार्मोन कवक से निष्कर्षित किया गया है, विच ऑफ द प्लांट हार्मोन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगस, फंगस से कौन सा हार्मोन को एक्सट्रैक्टेड किया गया है। तो यहाँ पे 119 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जिबरेलिन, ठीक है, जिबरेलिन किया गया है फंगस से। व्हाट इज इमस्कुलेशन, इमस्कुलेशन क्या होता है, कि रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है। एपिनेस्टी मोमेंट इज फाउंड इन, भाई एपिनेस्टी पाई जाती है कहाँ, ओपनिंग ऑफ फ्लावर में, ठीक है ना, ओपनिंग ऑफ फ्लावर में पाई जाती है, ठीक है। जीनस डू नॉट पेयर इन, जीन्स डू नॉट पेयर इन, तो भैया जीन जो होते हैं युग्म में नहीं होते हैं, किस में नहीं होते हैं, तो यहाँ पे 122 का बी, गैमेट्स में, किस में नहीं होते हैं, गैमेट्स में। अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ आर, तो आनुवंशिक विभिन्नता का परम स्रोत क्या होता है, म्यूटेशन। विच टेक्निक यूज्ड फॉर द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में जाइगोटी इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र होता है, बी नंबर ऑप्शन। एक सौ 125 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेन फंक्शन ऑफ टैपटम इज, टैपटम का मेन फंक्शन क्या होता है, कि न्यूट्रिशन कार्य, ठीक है। डायनासोर्स डिसअपीयर्स, डायनासोर्स डिसअपीयर ड्यूरिंग, तो किस दौरान डायनासोर्स लुप्त हुए थे, तो क्रिटेशियस का टाइम था वो, ठीक है।
मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स इन, तो यहाँ पे मैक्सिमम वाटर का अधिकतम अवशोषण कहाँ पे होता है, हाँ तो ये आपको बताना है कि कोलन में हो जाता है। कहाँ पे होता है? कोलन में होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। जुवेनाइल हार्मोन इज सिक्रेटेड बाई, जो जुवेनाइल हार्मोन्स होता है किसके द्वारा सिक्रेशन होता है? कॉर्पोरा एलाटा। विच ऑर्गन इज कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इन रैबिट? रैबिट में कौन सा अंग यूरिया निर्माण से संबंधित होता है? लीवर। लीवर जो यूरिया का निर्माण करता है। इन मैमल्स विच ऑर्गन एक्ट एज ब्लड बैंक, मैमल्स में सा ऑर्गन ब्लड बैंक का कार्य करता है? स्प्लीन। यहाँ पे 131 का ऑप्शन देखना है कि व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ फर्टिलाइजिंग, तो फर्टिलाइजिंग का केमिकल कंपोजिशन आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। फर्टिलाइजिंग का केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ फर्टिलाइजिंग, तो 131 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन फर्टिलाइजिंग का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। आरएच फैक्टर इज प्रेजेंट इन, 132 का ऑप्शन क्या हो जाता है? ए हो जाता है, ऑल वर्टिब्रेट्स। आरएच फैक्टर ऑल वर्टिब्रेट्स में होता है। 133 का ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक वाज नॉट यूज्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट? 133 का बी ऑप्शन हो जाएगा, सीड कोट कलर। भाई मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों में मेंडल ने किस लक्षण का उपयोग नहीं किया था? तो सीड कोट कलर। सीड कोट कलर 133 का बी ऑप्शन। एस्कैरिस प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ अगेंस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम, एस्कैरिस स्वयं को परपोषी के पाचक एंजाइमों से इसके द्वारा बचाता है। किसके द्वारा बचाता है? क्यूटिकल के द्वारा बचा लेता है, क्यूटिकल पाई जाती है। एचआईवी दैट काजेज एड्स फर्स्ट स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग, एचआईवी उत्पन्न करने वाला या एड्स उत्पन्न करने वाला एचआईवी सबसे पहले नष्ट क्या करता है? तो 95 का यहाँ पे हेल्पर टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन स्पॉन्जेस, तो 136 का यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, कि एब्सेंट होते हैं स्पंज में, सेंसरी सेल, नर्व सेल, ग्लैंड सेल स्पंज में एब्सेंट होते हैं। 137 का द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, प्रसव किया हेतु संकेतों का आना प्रारंभ करता है, क्या प्रारंभ करता है? फुल्ली डेवलप्ड फीटर्स ओनली, प्लासेंटा, फुल्ली डेवलप्ड फीटर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। तो 137 का यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, प्लासेंटा एंड फुल्ली डेवलप्ड फीटर्स। काला आजार इज कॉज्ड बाई, काला आजार जो होता है लीशमानिया डोनोवेनाई के द्वारा होता है। 138 का हाइड्रा कैन नॉट डाइजेस्ट, हाइड्रा नहीं पचा सकता है, क्या नहीं पचा सकता है? फैट को, ठीक है, हाइड्रा फैट नहीं पचा सकता है, प्रोटीन स्टार्च शुगर को तो पचा डालेगा। आइए 140 का देखें, आयन अर्थवार्म हैज, आयन अर्थवार्म हैज, भाई केचुए में क्या होती है कि नेत्र नहीं होते हैं,
केचुए में क्या नहीं होता है? नो आइज। एन अर्थवर्म हैज, केचुए में नेत्र नहीं होते हैं। विच इंसेक्ट इज यूजफुल फॉर अस? तो भैया विच इंसेक्ट इज यूजफुल फॉर अस, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा कीट हमारे लिए उपयोगी है? तो बॉम्बिक्स, ठीक है ना। 42 ऑप्शन देखिए, द सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल इज, सेल साइकिल का सीक्वेंस क्या होता है? G1S G2M, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका 142 का ऑप्शन मिल गया होगा। ग्रीन ग्लैंड फाउंड इन सम ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर हेल्पफुल इन, तो भैया ग्रीन ग्लैंड आप देख सकते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा जंतुओं में पाए जाने वाली ग्लैंड जो है एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। बच्चों में बायो के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपके क्लास में सारे के सारे प्रश्नों पे डिस्कस किया जाता है, आपको बताया जाता है, और आपको कहीं प्रॉब्लम्स आने की तो बात ही नहीं है। कि बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बहुत आराम से 45 प्लस करके आएंगे, तो आप बायोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड आते हैं, बहुत सटीक क्वेश्चन रहते हैं। वन आप देख सकते, C2 कंजर्वेशन मेथड ऑफ इनडेंजर्ड स्पीसीज, भाई संकटग्रस्त जातियों के पर स्थानीय संरक्षण की एक विधि होती है, क्या होती है कि 144 का डी, ठीक है ना। क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन निम्न ताप परिरक्षण। व्हाट इज एपिब्लेमा? एपिब्लेमा क्या होती है? एपिडर्मिस ऑफ रूट, रूट की एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा कहते हैं। वाइडल टेस्ट कैरिड आउट टू टेस्ट, विड्राल टेस्ट द्वारा पहचान किया जाता है किसका? टाइफाइड फीवर का, ठीक है, टाइफाइड फीवर का। अब यहाँ पे देखिए, विच वन फीटस इज कॉमन टू लीच, काकरोच एंड स्कॉर्पियन, भैया कौन एक लक्षण है जो जोंक काकरोच और बिच्छू में क्या है, समान होता है? तो 147 का बी ऑप्शन, कि उसमें अधर तंत्रिका रज्जु ना, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट एक्सिबिट मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो भाई कौन से पादप समूह में जात विविधता अधिक पाई जाती है? तो यही आपको बताना है कि फंजाई में, ठीक है ना, फंजाई में स्पीसीज डाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है। स्पोर बियरिंग लीफ कॉल्ड, भाई स्पोर बियरिंग लीफ्स को क्या कहते हैं? स्पोरो फिल कहते हैं, ठीक है, स्पोर बियरिंग लीव्स। हु प्रपोज द नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, तो भाई प्लांट का क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो प्लांट क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम में किसने किया होगा? तो यहाँ पे आप बेंथम एंड हुकर की बात करेंगे, किसने किया होगा? बेंथम एंड हुकर। पादप वर्गीकरण की नेचुरल पद्धति किसने प्रस्तावित किया था? तो बेंथम एंड हुकर ने प्रस्तावित किया था। तो प्रिय छात्रों, आपके लिए बायोलॉजी के UPSC 2017 का मैं 50 क्वेश्चन का सलूशन दे दिया, आप बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करिए और ध्यान करिए, माइंड में फिट करिए। बहुत सरल प्रश्न हैं, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में लगातार आते हैं, जिससे कि आप बहुत आसानी से इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करिएगा, आपके कमेंट हमको मोटिवेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।